बचपन की डांट जो होती है ना, यकीन मानिए वो जिंदगी भर याद रहती है। और याद आ भी गई हमारे धीरज धूपर को, वो भी पतंगबाजी करते हुए। भाई ऐसा क्या था कि पतंगबाजी करते हुए दादी की डांट याद आ गई? कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा, आज जान ही लीजिए। ओए चल यारा, आज पतंग उड़ा लें। आजा दोस्त, एक पेंच लड़ा लें। अपनी पतंग आज आसमान में पहुंचाते हैं। कुछ यही सोच विचार के साथ प्रीता का करण यानी कि धीरज धूपर आज उड़ा रहे हैं पतंग। मकर संक्रांति के मौके पर वो जब सास बहू और साजिश को मिले तो पतंग उड़ाए बिना नहीं रह पाए, क्योंकि कितने समय के बाद न जाने उन्हें पतंग उड़ाने का मौका मिला है। मैं तो मकर संक्रांति का हमेशा वेट करता हूँ यार, कि आप लोगों के साथ पतंगबाजी कर पाऊँ। सो आज काफ़ी सालों बाद कर रहे हैं लेकिन, राइट? मैं बचपन से मैं बताऊँ कि मैं तो बचपन से उड़ाता था, और 4 बजते थे मैं शाम को, मतलब 2 बजे मैं स्कूल से वापस आता था, लंच किया, 1 घंटा सोया, पढ़ाई की और ऊपर आया, छत पर चढ़ गए, चाहे जितनी भी धूप है, गर्मी है, कुछ भी, और वो 4 बजे से लेके शाम को जब तक सूरज डूबता नहीं था मैं पतंगबाजी, हाथ कटता था मांझे से सब कुछ, और इतनी उड़ाई कि आप कॉन्स्टेंटली देखते रहते हो ना पतंग की तरफ, तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। मेरी हो गई थी, तो वो सूरज की रोशनी आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ती है, तो चश्मा भी लग गया था। उसके बाद फिर छोड़ा, थोड़ा दादी ने डांट लगाई कि बहुत ज़्यादा हो गया सब कुछ, एंड देन फाइनली अब मौका मिलता आप लोगों के साथ उड़ाने का। धीरज को पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और उनका साथ हमारे अलावा उनकी यूनिट के कुछ मेंबर्स ने भी दिया, और इसी के साथ धीरज के लिए बचपन की कई यादें मानो ताज़ा हो गई। यार मैं तो अपने हर जो भी जितने भी पतंगबाज होते हैं ना, वो सब अपनी पतंगों को लेके बहुत पॉसेसिव होते हैं। मैं बता दूं आपको, हर किसी को अपनी पतंग बचानी होती है, दूसरे की काटनी होती है, लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग ज़्यादा ही शरारती होते हैं मुझे लगता है। एक बार मैंने अपने पड़ोसी लड़के को मना किया कि मत करना, काटना मत, और ये ना मुझे लड़ाना नहीं है, अभी पेचे कहते थे पेचे, तो मुझे लड़ाना नहीं है। उसने एक्चुअली लड़ा के काट दी मेरी, और मुझे इतना गुस्सा है, मैं हाथ से जाके उसका तोड़ दिया, जहाँ से उड़ा रहा था उसकी छत पे गया, हाथ से जाके तोड़ दिया, तो उसका पूरा मांझा भी गया, उसकी पतंग भी गई। और दोज आर द मेमोरीज यार, आई चेरिश दोज मेमोरीज। धीरज की पतंग आसमान में उड़ी और फिर नीचे भी आ गई, मगर चाहने वालों के लिए धीरज की पतंग हमेशा उड़ती रहेगी, जिसके नज़ारे हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।